सो हेलो कुछ कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आज की शुरू में आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप व्हाट्सएप पर किसी को भी सिंगल टिक शो कर सकते हो। क्योंकि दोस्तों काफी टाइम ऐसा होता है कि हम अपने फोन में कुछ इंपॉर्टेंट काम कर रहे होते हैं, बिजी होते हैं, सामने वाला बंदा हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करता है, हम उसके मैसेज को ना तो रीड कर पाते हैं, ना ही देख पाते हैं, रिप्लाई नहीं कर पाते हैं। तो होता क्या है कि सामने वाले बंदे को यह लगता है कि हम अपने फोन में इंटरनेट को यूज कर रहे हैं और जानबूझ के उसके मैसेज का रिप्लाई नहीं कर रहे हैं। तो दोस्तों अब आप एक ट्रिक यूज करके किसी को भी सिंगल टिक शो कर सकते हो। अगर आपके पास कोई भी व्हाट्सएप पर मैसेज करेगा दोस्तों, सामने वाले को ना ही डबल टिक शो होगा, ना ही ब्लू टिक शो होगा, सिर्फ उसको सिंगल टिक शो होगा। ठीक है, उसको यह लगेगा कि आपने अपने फोन में इंटरनेट को ऑन नहीं किया है, आप इंटरनेट को यूज नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो दोस्तों आज का ये वीडियो आप सभी के लिए काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, मजेदार है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। और गाइस अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कॉमेंट चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों अब चलिए मैं आपको बताता हूं कि कैसे आप व्हाट्सएप पर सिंगल टिक शो कर सकते हो। ठीक है, जैसे हम यहां पर मैसेज करते हैं, हेलो आप कैसे हो। तो दोस्तों हमने मैसेज कर दिया। ठीक है, यहां पर आप देख सकते हो डबल टिक शो हो रहा है। इसका मतलब यह है कि जिसके पास हमने मैसेज भेजा है, ठीक है, सामने वाले के फोन में इंटरनेट ऑन है, सामने वाला बंदा अपने फोन में इंटरनेट को यूज कर रहा है। जैसे आप यहां पर देख सकते हो हमारे फोन में इंटरनेट ऑन है, ठीक है, और यहां पर मैसेज आया हुआ है। आप देख सकते हो मैसेज आया हुआ है। तो दोस्तों अब चलिए मैं आपको बताता हूं कि कैसे आपको डबल टिक की जगह पर सिंगल टिक शो करना है। ओके, सिर्फ आपको एक ट्रिक यूज करना है। आपको सिंपली फोन के सेटिंग में जाना है, आपको फोन के सेटिंग में जाना है। फोन के सेटिंग में जाने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना, नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा ऐप मैनेजमेंट या एप्स हो सकता है। ठीक है, आपको इसको ओपन करना है। इसके बाद आपको ऐप लिस्ट पर क्लिक करना है। आपको यहां पर आपके फोन के सभी एप्लीकेशन शो हो जाएंगे। ठीक है, आपके फोन के सभी एप्लीकेशन दिख जाएंगे, आपको थोड़ा सा वेट करना होगा। अब आपको नीचे स्क्रॉल करना है, नीचे आपको मिलेगा व्हाट्सअप, आपको व्हाट्सअप पर क्लिक करना है। अब दोस्तों आपको यहां पर काफी सारे सेटिंग्स मिलेंगे, ऑप्शन मिलेंगे। आपको यहां पर एक ऑप्शन मिलेगा डेटा यूजर्स डिटेल्स, आपको इस पर क्लिक करना है। अब आपको यहां पर दो ऑप्शन मिलेंगे, ठीक है, डिसेबल मोबाइल डेटा, डिसेबल वाईफाई। आपको यहां से इन दोनों सेटिंग को ऑन कर देना है। ठीक है, अगर आप सामने वाले को सिंगल टिक शो करवाना चाहते हो तो सिंपली आपको यहां से व्हाट्सएप का डेटा बंद करना होगा। ठीक है, इस तरह आपको डेटा को बंद कर देना है। अब हम व्हाट्सएप पर मैसेज करते हैं, हाय। तो आप यहां पर देख सकते हो हमने व्हाट्सएप पर मैसेज किया, सिंगल टिक शो हो रहा है, जबकि इस फोन में आप देख सकते हो इंटरनेट चल रहा है। इस तरह गाइस आप किसी को भी सिंगल टिक शो करवा सकते हो। अगर आपके पास कोई भी मैसेज करेगा उसको कुछ इस तरह का सिंगल टिक शो होगा। ठीक है, उसको ये लगेगा कि हम अपने फोन में इंटरनेट को यूज नहीं कर रहे हैं, इंटरनेट हमारा ऑन नहीं है। लेकिन अब आप यहां पर देख सकते हो हमारे फोन में पूरी तरह से इंटरनेट ऑन है, हम अपने फोन में इंटरनेट को यूज कर रहे हैं। मैं आपको नेट चलाकर भी दिखा देता हूं। आप देख सकते हो हमारे फोन में यूट्यूब चल रहा है। ठीक है, यहां पर हमारे फोन में इंटरनेट ऑन है, हमारे फोन में यूट्यूब चल रहा है। इस तरह गाइस आप किसी को भी सिंगल टिक व्हाट्सएप पर शो करवा सकते हो। ठीक है, अगर आपके फोन में ये सेटिंग नहीं है, ठीक है, तो आप अपने फोन में एक एप्लीकेशन भी यूज कर सकते हो। आपको सिंपली प्ले स्टोर में जाना है। प्ले स्टोर में जाने के बाद आपको यहां पर सर्च करना है नेटगार्ड, आपको यहां से इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है। ठीक है, इसको ओपन करना है। अब आपको परमिशन को अलाउ कर देना है, आपके फोन के सभी एप्लीकेशन यहां पर शो हो जाएंगे। इसके बाद आपको यहां से इस एप्लीकेशन को ऑन करना है, ओके करना है, इसको आपको अलाउ कर देना है। इसके बाद दोस्तों आपको व्हाट्सएप को सर्च करना है। ठीक है, आपको नीचे स्क्रॉल करना है, नीचे आपको मिलेगा व्हाट्सएप, यहां से आपको व्हाट्सएप का डेटा इस तरफ बंद कर देना है। ठीक है, तो दोस्तों इस सेटिंग को भी करके आप किसी को भी सिंगल टिक शो कर सकते हो। आपको यहां से व्हाट्सएप का डेटा बंद कर देना है। ठीक है, और दोस्तों जब भी सामने वाला बंदा आपके पास व्हाट्सएप पर मैसेज करेगा उसको सिंगल टिक शो होगा। ठीक है, तो यार उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दो यार, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियोस बनाता रहता हूं। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।